लगभग हर कैंसर का पेशेंट जानता है कि कैंसर के विभिन्न स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज में इलाज अलग और प्रोग्नोसिस अलग होता है। तो क्या आप जानते हैं कि कैंसर के कितने स्टेज होते हैं और हर स्टेज का क्या प्रोग्नोसिस है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS, MD एंड DN फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल के आखिरी कंडक्टेड पोल पे लोगों ने भारी मात्रा में आज के वीडियो के टॉपिक के लिए वोट किया है, जो है कैंसर के स्टेजेस। यदि आप भी हमारे नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के लिए वोट करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वोटिंग प्रोसेस से जुड़िए। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ कैंसर, और आज हम उन सारे सवालों से डिस्कस करेंगे जो कि हमसे कैंसर के स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के स्टेज का मतलब क्या होता है, कैंसर के कितने स्टेज होते हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर कैंसर का मोटा मोटा तात्पर्य क्या है और इम्प्लीकेशन क्या है, स्टेज और ग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, हर स्टेज पे पेशेंट कैंसर के कितना सर्वाइवल एक्सपेक्टेड होता है, और स्टेज के अलावा क्या चीजों पे कैंसर का सर्वाइवल डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैंसर स्टेज से हमारा क्या मतलब है। तो दोस्तों, कैंसर स्टेज एक मापदंड होता है जिससे हम दो चीजें डिटरमिन करते हैं। नंबर वन, कैंसर कितना फैला हुआ है। जैसे जैसे कैंसर अपने बिगिनिंग ऑर्गन से ज्यादा ज्यादा फैलता है, वैसे वैसे कैंसर का स्टेज बढ़ता रहता है। दूसरी चीज जो कैंसर का स्टेज हमें बताता है, वो बताता है कैंसर का प्रोग्नोसिस क्या है। यानी जैसे जैसे हमारा स्टेज कैंसर का बढ़ता जाता है, कैंसर का सर्वाइवल घटता रहता है और पेशेंट का लॉन्ग टर्म बचने का चांस कम होता रहता है। स्टेजिंग कहां से आती है? स्टेजिंग एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जो कि आज एक कैंसर का स्टेज है, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी कैंसर का स्टेज वही रहे। परंतु वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमेरिकन ज्वाइंट कमिटी फॉर कैंसर या फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी इत्यादि विभिन्न कैंसर के स्टेजिंग सिस्टम बनाते हैं, जो कि हम ऑन्कोलॉजिस्ट क्लिनिक में फॉलो करते हैं। तो सवाल नंबर दो ये है कि कैंसर के कितने स्टेज होते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि कैंसर के चार ही स्टेज होते हैं, बट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कैंसर के स्टेजेस कैंसर के टाइप पर डिपेंड करते हैं। कुछ कैंसर में या दो या तीन स्टेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पेशल तरह के लंग कैंसर में सिर्फ दो स्टेज होते हैं, और टेस्टिकुलर कैंसर यानी टेस्टिस के कैंसर में सिर्फ तीन स्टेज होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ केसेस में ज्यादा स्टेज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कैंसर में 5 स्टेजेस या 5 से ज्यादा स्टेजेस भी हो सकते हैं। तो फ्रॉम कैंसर टू कैंसर एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेजेस वेरी करता है, बट मेजोरिटी ऑफ कैंसर में हम 4 स्टेज मानते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। अगला क्वेश्चन है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 से हमारा तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, हम किसी भी कैंसर की बात करें तो स्टेज 1, 2, 3, 4 एक बेसिक कैंसर का स्प्रेड का सीक्वेंस को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज 1 में यूजली ब्रेस्ट के बहुत छोटे ट्यूमर होते हैं, जो सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर लोकलाइज्ड है। सिमिलरली, अन्य कैंसर जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, अभी स्टेज 1 का जनरली तात्पर्य एक छोटा ट्यूमर होता है जो कि ऑर्गन के अंदर कन्फाइंड होता है। स्टेज 2 में दो कैटेगरी के ट्यूमर आते हैं, या तो ट्यूमर थोड़ा छोटा साइज से बढ़ के थोड़ा सा बड़े साइज का ट्यूमर है परंतु ऑर्गन में ही कन्फाइंड है, या फिर ट्यूमर थोड़ा सा फैलने लगा है यानी कि ऑर्गन की बाहर निकलने लग गया है या आसपास के ऑर्गन के नोड्स में घुसने लग गया है। स्टेज 3 इन जनरल लोकली एडवांस डिजीज को बोलते हैं। लोकली एडवांस से हमारा तात्पर्य है कि कैंसर ऑर्गन से निकल चुका है पर लोकल साइट पे ही है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, जो कंधे के नोड्स में फैल गया है, लंग कैंसर, जो छाती के बीच के नोड्स में फैल गया है, प्रोस्टेट कैंसर, जो कि प्रोस्टेट की सरफेस को टच करने लग गया है, या कोलन कैंसर, जो कोलन से निकल के पास के लिम्फ नोड में निकल गया है। यानी कि कैंसर ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से बाहर निकलना शुरू हो गया है परंतु डिस्टेंट ऑर्गन जैसे लंग, लिवर, ब्रेन, बोन इत्यादि में नहीं फैला है। स्टेज 4 यानी एडवांस या मेटास्टेटिक कैंसर का जनरल मीनिंग होता है वो कैंसर जो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से फैल के दूर के ऑर्गन से फैल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई भी बॉडी का कैंसर, जैसे चाहे वो लंग, ब्रेस्ट, कॉलन, प्रोस्टेट इत्यादि कुछ भी हो, निकल के हड्डी में या लिवर में या ब्रेन में फैल गया है, तो उसको हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। तो स्टेज 4 कैंसर का मतलब है कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन से निकल के डिस्टेंट साइट पर फैल चुका है। अगला क्वेश्चन जो कॉमनली मुझसे पूछा जाता है कि स्टेज और ग्रेड में क्या डिफरेंस है। जैसे
कई बार पेशेंट अपनी बायोप्सी रिपोर्ट पे देखते हैं कि कैंसर का ग्रेड 2 ग्रेड 3 इत्यादि है और उसको वो स्टेज से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टेज और ग्रेड दो अलग अलग चीजें हैं। स्टेज जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया डिसाइड करता है कि कैंसर कितना फैला है, और ग्रेड एक बायोप्सी में देखने वाली चीज होती है जो बताती है कि ट्यूमर सेल कितनी फास्ट डिवाइड कर रहे हैं और कितनी स्पीड से उनका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो स्टेज और ग्रेड अलग अलग होते हैं। स्टेज 1 कैंसर ग्रेड 3 हो सकता है और ग्रेड 1 कैंसर स्टेज 4 हो सकता है, इसलिए दोनों हमें कैंसर के इलाज के बारे में इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि हर स्टेज में पेशेंट का कितना सर्वाइवल है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इधर एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ डिस्कस की जाए। वो ये है कि स्टेज अकेली ऐसी चीज नहीं है जो डिसाइड करता है कि पेशेंट कितना टाइम जिएगा। पेशेंट का सर्वाइवल बहुत बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसर किस तरह का है। यदि हम एग्जांपल दें तो यदि किसी को स्टेज 2 या 3 पैंक्रियाज का कैंसर है तो उसका सर्वाइवल स्टेज 4 लो ग्रेड ड्यूरेंट ग्रेड ट्यूमर से कंपेयर कम होता है। यानी कि एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर चाहे ज्यादा भी फैला हो उसका सर्वाइवल लंबा हो सकता है, जबकि एक फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर यदि कम फैला हो उसका सर्वाइवल कम हो सकता है। सिमिलरली और मापदंड भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना होता है, और इन सारी इंफॉर्मेशन को साथ में लेकर ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का सर्वाइवल कितना रहेगा। कॉमन चीजें जो पेशेंट का सर्वाइवल डिक्टेट करती है वो है कैंसर का टाइप, ग्रेड यानी कैंसर कितना अग्रेसिव है, स्टेज यानी कैंसर कितना फैला हुआ है, फिटनेस यानी मरीज कितना तंदुरुस्त है, कैंसर का ट्रीटमेंट कितनी अच्छी तरह टॉलरेट कर सकता है, और कैंसर की वजह से कोई एंड ऑर्गन फेलियर तो नहीं है, और बायोमार्कर्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका मतलब ये बायोमार्कर्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमारा तात्पर्य है कुछ कैंसर्स के अंदर ही वेरियस मॉलिक्यूलर सब ग्रुप्स हैं जिसमें स्लो ग्रोइंग और फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर अलग अलग आते हैं और इनका अलग अलग ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्यूमर बायोलॉजिकली यानी डीएनए लेवल पे कितना अग्रेसिव है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इन सब चीजों को टुगेदर लेके हम एक पेशेंट के अप्रोक्सीमेट सर्वाइवल का एस्टिमेट ले सकते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एवरेज इज स्टिल जस्ट एन एवरेज, और एवरेज से किसी भी कैंसर टाइप में एवरेज से ज्यादा और एवरेज से कम सर्वाइवल दोनों चीजें हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है आपको यूजफुल जानकारी मिली हो जो आपको पसंद आई हो। हमारे चैनल का पर्पस ये है कि हमारे भारत के पेशेंट्स को भी वर्ल्ड का लेटेस्ट और कटिंग एज कैंसर ट्रीटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले जिसको वो एक्सेस कर सके। तो यदि इस इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट एवरी मंथ कई नए वीडियोज आते हैं और वीडियो की चॉइस जनरली हमारे ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करती है। यानी कि हमारे चैनल पर फ्रीक्वेंटली पोल्स आते रहते हैं जिसमें ऑडियंस खुद डिसाइड कर सकता है कि उनको कौन सा वीडियो अगले स्टेप पे देखना है। हमारे लास्ट पॉल में ओवरवेलमिंगली मोस्ट पॉपुलर चॉइस कैंसर स्टेज था, इसलिए हमारा आज का वीडियो कैंसर स्टेज के टॉपिक पे है। यदि आप अगले वीडियो के टॉपिक में वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।